तो दोस्तों अभी हम लोग मैं और पापा जा रहे हैं थोड़ा सा घर का राशन लेने के लिए, क्योंकि घर में राशन कुछ कितना कम हो गया तो वही सब ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट अभी चला गया है क्योंकि बहुत तेज अभी आंधी तूफान चल रहा है। देखिए हवा वगैरह चल रहा है बहुत, पीना खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है कहीं उड़ मच जाए। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप लोग। और अभी बज रहा है एक। दोस्तों अभी हम लोग का कुछ दिन से बहुत तेज तबीयत खराब हो रखा है मेरा और मम्मी का। तो मम्मी तो आराम कर रही है, मैं अभी जस्ट उठा हूँ और ब्रश किया हूँ और अभी चावल वगैरह सब बन गया है, पापा बनाए सब, और हम लोग आज आराम ही कर रहे हैं। जब से दो दिन से तबीयत खराब हम लोग का, पापा ही पूरा देख रहे हैं। पापा को भी उतना ठीक नहीं लग रहा है, उनके पैर में दर्द है और जो भी थोड़ा सा सर्दी सर्दी लग रहा है। अभी पापा कहीं गए हैं और इधर शेरू देख रहे हैं। शेरू दो दिन से, एक दिन तो पूरा फीवर था और अभी सर्दी खांसी बुखार जब से लग रहा है, एकदम गर्मी गर्मी भी लग रहा है और कभी कभी ठंडी लगता है, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेट आ रहा है। अभी तो जस्ट मैं ब्रश किया हूँ और पानी वगैरह पिया, पहले से थोड़ा सा ठीक लग रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कफ है गले में, वो सब निकलना जरूरी है तब जाके अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप लोग घर से बाहर मत निकलना ज्यादा, मास्क पहन के रखना। और छत्तीसगढ़ में भी बहुत कोरोना मरीज मिल रहे हैं और अंबिकापुर में भी 70 केस कुछ आसपास ऐसी कुछ केस दर्ज हुआ है अभी एक दिन में। आई होप हम लोग का सब फीवर वगैरह सब जल्दी से ठीक हो जाए। हम लोग प्रॉपर भाप वगैरह सब ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं और शाम को काढ़ा पीते हैं, तो सबसे तो आराम मिल रहा है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत गर्मी गर्मी टाइप का भी लग रहा है, चलिए पानी भरते हैं। कूलर में पानी खत्म हो गया, कल रात भर चला है, फिर कूलर के सामने बैठेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग का खाना करने का समय हो गया था और हम लोग ने लंच कर लिया है, अभी बज रहा है 2:30। दोस्तों अभी मैं उतना रेगुलर वीडियो तो नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है दोस्तों लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम वगैरह, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब आप लोगों से शेयर करूंगा धीरे धीरे मैं। दोस्तों कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो हर दिन मतलब हर अल्टरनेट डेज एक दो दिन बाद ऐसे डलते रहना चाहिए, वरना चैनल फ्रीज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर वीडियो बनाने का। यूट्यूब फिर मेरे चैनल मतलब मेरे वीडियो को इम्प्रेशन नहीं भेजेगा, इसलिए कुछ ना कुछ मैं डालते ही रहता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। और अभी मैं कुछ दिन बाद फिर जाने वाला हूँ कहीं कहीं घूमने, तो वो वाला ब्लॉग आएगा तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं जाने वाला हूँ मैं आउट ऑफ स्टेशन तो घूमने वगैरह, तो वो सब आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी तो ऐसे ही डाल रहा था बस, अभी तो भैया लोग भी नहीं है, अकलतरा में है तो वो वाला आ नहीं पाते हैं, बार बार भाभी का जॉब रहता है इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाता, इसलिए घर ही घर का बस डालते रहता हूँ। तो दोस्तों आज हो गया अगला दिन और हम लोग का तबीयत थोड़ा सा ठीक लगा है, आज दो दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे और मम्मी और मेरा, मम्मी का भी थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, कफ निकल रहा है। और शेरू का भी मैं खाना ही बना दिया, तो मम्मी यहाँ पर बस ताजी सब्जी ले रही है, ये वाली दाई हमेशा आ जाती है घर ताजी सब्जी लेके। तो दोस्तों अभी हम लोग मैं और पापा जा रहे हैं थोड़ा सा घर का राशन लेने के लिए, क्योंकि घर में राशन कुछ खत्म हो गया तो वही सब लेने जा रहे हैं, और तो अभी चल रहे हैं। तबीयत थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो घूमने उमने का मन कर रहा है, फिर भी कम ही निकलूंगा। और तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो थोड़ा बाहर मास्क लगा के मैं निकल गया, और ये कला केंद्र में कुछ लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर शॉप पहुँच गए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है, और जल्दी से अपने सामान लेते हैं और निकलते हैं, कुछ जरूरत के सामान बस लेने आए थे, मम्मी ने बोला था खत्म हो गए वही सब ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट अभी चला गया है क्योंकि बहुत तेज अभी आंधी तूफान चल रहा है और बहुत हाई अलर्ट जारी हो गया है, उस दिन में बहुत तेज पानी गिरेगा। देखिए हवा वगैरह चल रहा है बहुत, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, धूल उल उड़ रहा है, बिजली से चमक रहा, अंदर चलते हैं। अभी कुछ दिन से बहुत अच्छा मौसम हो गया, मस्त हवा वगैरह चल रहा है, आज साइकिल चलाने में गया था बहुत दिन बाद, तो भी थोड़ा सा ठीक लगने लगा तो साइकिल चलाने में गया था, वो हवा वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, चलाने में मज़ा आ रहा था, साइकिल थक नहीं रहा था मैं।
फिर भी यहाँ बैठ के देख रहा है, वहाँ पर यहाँ पर तारक मेहता देख रहे हैं लाइट गोल है, फिर भी जियो में खाना वगैरह सब हो गया है। हम लोग आज पनीर भुर्जी बनाए थे पहली बार घर में, तो अच्छा बना था, ठीक ठाक लगा। मम्मी बना दी थी, मम्मी और मैं मिल के बनाए। अभी तो मम्मी बर्तन धो रही है, अभी मैं व्लॉग ही बना रहा था अपना मिनी व्लॉग, पर लाइट ही चला गया है, जैसे कि पता है आप लोगों को तूफान चल रहा है, पता नहीं अब एक कुछ दिन तक चलते रहेगा, लाइट वाइट आ जाए बस, लाइट गोल ना रहे तो वीडियो टाइम पर आ जाएगा। तो मम्मी सब काम हो गया, टीना खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है कहीं उड़ मत जाए, डर लग रहा है। और दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि 30 दिन तक कंटिन्यू मेरे ब्लॉग डालूं, आज पता नहीं डाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि लाइट चला गया है, वीडियो एडिट नहीं हो पाया है, एडिट करने बैठा ही तक लाइट बोल रहा है और तूफान चलने लगा बहुत तेज धूल वाला, तो देखते हैं हम आज लाइट तो मैं डाल दूंगा वीडियो आज भी, नहीं आ पाएगा। 30 दिन तक लगातार डालते फिर देखते हैं क्या असर पड़ता है चैनल में, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। बहुत मस्त हवा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा हवा एकदम मस्त लग रहा है, कूलर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कल तो ठंडी लगने लगा था कूलर चलाए, लाइट भी चला जा रहा था बार बार। हम मम्मी पापा यहाँ पर बैठे हैं, मम्मी पापा तो मस्त देख रहे हैं अपना जियो में, सिरू भी बैठा है शांत चुपचाप, पानी गिर रहा है मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, पानी पानी गिरता नहीं है उड़ जाता है। Yeah, it'll be really good.